प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी का कल्याण अब तक नहीं हो पाया है। वाराणसी का विकास अब भी अधूरा है। सपना दिखाया गया था कि काशी को क्योटो बनाना है, लेकिन क्योटो तो दूर, काशी काशी ही बना रहे, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का सपना भी काशी में साकार नहीं हो पा रहा। यहाँ गंदगी का अंबार है। इस मिशन को कामयाब बनाने वाला नगर निगम आंख मूंदे बैठा है। घनी आबादी वाले वाराणसी में साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम का है, लेकिन निगम में ना तो अपर नगर आयुक्त है ना ही उप नगर आयुक्त। आम आदमी के इलाज के लिए यहाँ मेडिकल अधिकारी भी मौजूद नहीं है। और तो और 1204 सफाई कर्मचारियों की कमी है। निगम में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है। करीब 4425 पदों में से सिर्फ 3385 कर्मचारी और अधिकारी ही काम कर रहे हैं। 1597 पद अब भी खाली हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है, तो और जगहों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नगर निगम में वर्तमान समय में 1597 पद भी वो केंद्रित और केंद्रित दोनों सेवाओं को मिला करके सुरक्षित है। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के एक अपर नगर आयुक्त के पद रिक्त है, दो उप नगर आयुक्त के पद रिक्त हैं और 4 सहायक नगर आयुक्त के पद रिक्त हैं। सफाई कर्मियों के नियमित जो है 1174 पद रिक्त है। नगर निगम के ऑफिस सुपरिटेंडेंट की माने तो स्टाफ की कमी की वजह से कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता। कार्यालय में लिपिकों की कमी से सरकार और शासन से मांगी गई रिपोर्ट भेजने में काफी देरी होती है। प्रथम श्रेणी लिपिक के 49 पद सृजित हैं, 41 भरे हुए हैं और 8 पद अभी भी रिक्त हैं। शासन से या कमिश्नर के यहाँ से, डीएम के यहाँ से सूचना आती है कि निम्न प्रपत्र वार्षिक विवरणी मांगी जाती है, तो हमारे पास कोई प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लिपिक नहीं है जिसको कि हम लखनऊ, इलाहाबाद या जिला प्रशासन को भेज सकें। वाराणसी के लोगों को सपना दिखाया गया था कि काशी का कल्याण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ रखना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम में कर्मचारियों की कमी की वजह से स्वच्छता अभियान और नगर निगम के कामकाज में काफी परेशानी हो रही है। वाराणसी के लोग भी इन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। हमारे हिसाब से कर्मचारियों को नगर निगम में और भी ज्यादा तौर पर रखना चाहिए, और उसके बावजूद कोई भी जाता है तो इस काउंटर पे जाओ तो कोई वहाँ पे कर्मचारी नहीं है, और इधर जाओ तो कोई भी कर्मचारी, मतलब वक्त पे कोई आता नहीं है। नॉर्मली 9-10 बजे जाते हैं तो वहाँ 12 बजे आ रहे हैं। हर जगह का काउंटर खाली है, वहाँ पे इधर काम कर उधर दौड़ाते हैं कि यहाँ चले जाइए, वहाँ कोई कर्मचारी अपने समय पर नहीं है। नगर निगम में कोई काम के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो इतना दौड़ धूप कराते हैं कि उससे आत्मादम फट जाता है। जाते हैं तो वो अधिकारी नहीं है, उनकी ड्यूटी वहाँ चली गई, दुनिया भर के खाली इधर उधर के बात करके दौड़ाने काम होता नहीं भैया। जो नगर निगम शहर को साफ सुथरा रखता है, जिस नगर निगम पर बनारस की जिम्मेदारी है, वो कर्मचारियों की कमी का रोना रो रहा है। प्रशासन और सरकार की अनदेखी से काशी के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में कैसे काशी का सपना पूरा होगा, कब तक बनारस के लोग गंदगी में जीने को मजबूर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। वाराणसी से रत्नेश राय, APN।